रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सीबीएसई का जो सिलेबस है 2024 और 25 के लिए वो देखेंगे कि फर्स्ट फ्लाइट में कितने चैप्टर्स हैं, फुटप्रिंट में कितने हैं और ग्रामर का क्या पोर्शन है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहला चैप्टर जो फर्स्ट फ्लाइट से है वो लेटर टू गॉड है, सेकेंड नेल्सन मंडेला, थर्ड स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फोर्थ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया, मिस विल द ऑर्डर, मैडम राइड्स द बस, सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, एक प्ले भी इसमें इन्वॉल्व है। पोयम जो है वो डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, अ टाइगर इन द जू है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, अमांडा, द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फॉर एने ग्रेगरी। और वैसे ही फुटप्रिंट विदाउट फीट में देखेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, थीफ स्टोरी है, मिडनाइट विजिटर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली और द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये आपका लिटरेचर का पोर्शन हो गया जो कि आपके 2024-25 के सत्र में प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बाद देखेंगे कि ग्रामर में क्या पोर्शंस है। पहला आपका डिटरमाइनर्स है, टेंस है, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, और उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, स्टेटमेंट होगा और क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि ग्रामर में स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इन सब चीज का ध्यान रखने के लिए आप देखेंगे कि गैप फिलिंग भी रहेगा, एडिटिंग भी रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ राइटिंग स्किल में फॉर्मल लेटर आपको लिखना अनिवार्य होगा और एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना होगा जो कि 100 से 120 शब्दों में होगा, और मैप, चार्ट, ग्राफ जो है इसमें से कोई एक दिया रहेगा और उससे आपको चीजों को एनालाइज करना है और पैराग्राफ लिखना है। साथ ही साथ इसमें मैंने मेंशन करना मैं भूल गया था, अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये टोटल आपका 2024 और 25 का सिलेबस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।